चॉकलेट वाली चुड़ैल। धौलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते थे। सर्दी का मौसम था। चिंटू अपने घर से बाहर खेलने जाने के लिए अपनी माँ को मना रहा होता है। जाने दो ना माँ, गोलू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये लड़का कभी नहीं समझेगा, इतनी हड़बड़ी पढ़ाई में भी दिखाएगा क्या तू? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा तू। तभी बाहर से घंटियों की आवाजें आने लगती है। कुल्फी वाला, कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, चंदू की कुल्फी। माँ मुझे कुल्फी खानी है, प्लीज माँ प्लीज। इस चंदू कुल्फी वाले की क्या मति मारी गई है जो ठंड के मौसम में बच्चों को बीमार करने कुल्फी ले आया? तू यहीं रुक, मैं उसके कान खींच कर आती हूँ। कमला जैसे ही बाहर जाती है, चिंटू अपने दोस्त गोलू से मिलने बाहर चला जाता है। गोलू जल्दी बाहर आ, माँ के आने के पहले वापस घर भी तो जाना है मुझे। दोनों दोस्त मैदान में खेलने चले जाते हैं, तभी उनकी नजर एक ठेले पर पड़ती है। ठेले पर चारों तरफ चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स थे। अरे चिंटू देख चॉकलेट, चलना खरीद लेते हैं। आओ बच्चों, चॉकलेट वाली आंटी के जादुई चॉकलेट्स खाओ। मन तो मुझे भी है पर पैसे तो है ही नहीं। आंटी उधार देगी क्या? चलना पूछते हैं। चिंटू और गोलू चॉकलेट के ठेले पर जाते हैं। ठेले के चॉकलेट को देखते ही दोनों को अलग सा महसूस होता है, जैसे वो इस दुनिया के है ही नहीं। इन चॉकलेट्स पे कोई तो बात है। आंटी ये चॉकलेट खाने का बहुत मन है हमें, पर पैसे नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, पैसे मांगे किसने तुमसे? ले लो बच्चों, मैं तो तुम लोगों के लिए मुफ्त में चॉकलेट लाई हूँ। फ्री में? पर माँ कहती है फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए। तुम हर चॉकलेट के बदले मुझे बस अपने सर का एक बाल दे दो, ठीक है? दोनों ऐसा ही करते हैं और बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर अपने घर लौट आते हैं। शाम को चिंटू जब चॉकलेट खा रहा होता है, तभी अचानक उसके शरीर पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? भगवान, गोलू के पास जाता हूँ, वही मेरी मदद करेगा। तभी कमरे की खिड़की से अंदर अंधा भालू बन चुका गोलू आता है। गोलू तुम भागो यहाँ से, मम्मी मम्मी। अरे चिंटू ये मैं ही हूँ यार गोलू, देखना मुझे क्या हो रहा है, हम दोनों भालू बन रहे हैं। तभी खिड़की के बाहर एक चुड़ैल चॉकलेट का ठेला लिए दिखाई देती है। चिंटू गोलू यहाँ जाओ बच्चों मेरे पास, मैं मदद करूंगी तुम्हारी, आओ ना बच्चों। जैसे ही दोनों उसकी आंख में देखते हैं, दोनों उस चुड़ैल के वश में आ जाते हैं और उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अगली सुबह कमला भागते हुए गांव में सबके घर जाकर चिंटू को ढूंढती है। अरे कहाँ गया मेरा चिंटू, कितना समझाया उसे कि इधर उधर मत जाया कर, पता नहीं कौन ले गया मेरे बच्चे को। चिंटू! तभी वहां भागती हुई विमला आती है। भाभी कल रात से मेरा गोलू भी नहीं मिल रहा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ओ बच्चों चॉकलेट खाओ, चॉकलेट वाली आ गई। धीरे धीरे कर अचानक ही हर रोज गांव का एक न एक बच्चा गायब होने लगता है, जिसके कारण गांव में डर का माहौल बन जाता है। ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इतनी जांच पड़ताल हुई पर मिला क्या है? बाल? क्या भालू बस बच्चों को ही पकड़ता होगा? कुछ तो बात है, जब से ये चॉकलेट बेचने वाली आई है बच्चे गायब हो रहे हैं। ठेले वाली के साथ साथ अब से जो भी बच्चा उसके पास से चॉकलेट लेगा उस पे भी नजर रखनी होगी। गांव का एक बच्चा पिंकू
चॉकलेट खरीदकर मैदान में जाकर खा रहा होता है, तभी बाकी बच्चों की तरह वो भी भालू बन जाता है और चुड़ैल उसे ठेले पर बिठाकर ले जाती है। चलो आज का शिकार तो मिल गया। सभी मिलकर चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चुड़ैल ने एक गुफा में आधे भालू बने सभी बच्चों को बंद करके रखा है। क्या हुक्म है मेरे मालकिन? मेरे लिए ताजा मांस लेकर आ। और कुछ और बच्चों के बाल भी, फिर यही सब मिलकर मेरे लिए बड़े बड़े इंसानों का मांस लेकर आएंगे। अरे कब तक जानवरों को खाऊं मैं? हे भगवान, अब क्या करें? कैसे बचाएं अपने बच्चों को? सब तो इस चुड़ैल के बस में है। चुड़ैल सभी बच्चों के बाल लेती है, ये वशीकरण उसी बाल से टूट सकता है। आ गया मेरा खाना। ये तो बासी मांस है, ये तुम ही खाओ, मूड खराब कर दिया मेरा। जाओ बच्चों, मेरे लिए खाना लेकर आओ। जो सबसे अच्छा खाना लाएगा उसे मैं पूरी तरह भालू बना दूंगी। तब तक मैं सोने जा रही हूँ। सभी बच्चे शिकार पर निकल पड़ते हैं और चुड़ैल सो जाती है। देखो चुड़ैल के सर के नीचे बच्चों के बाल का गुच्छा, उसे वहां से निकालना ही होगा। चंदू छुपकर बालों का गुच्छा निकालकर तालाब में बहा देता है। जैसे ही बाल बहते हैं, सभी बच्चे वापस से पहले जैसे हो जाते हैं और फिर सभी मिलकर गुफा में आग लगा देते हैं और धौलपुर फिर से खुशहाल हो जाता है।